हम आपको कुछ नहीं होने देंगे पुष्पा जी। अब आपकी बारी है। अब तेरा खेल खत्म पुष्पा सिंह। अगर हिले भी तो गोली मार देंगे। चाकू फेंको। इट्स अ मैच। ये वही जोकर है। माओ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मेरे लोग जिनके निशाने पे ये बच्चे हैं इन सब को जान से मार देंगे। देखो कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना। अपनी गन्स नीचे रखो, नीचे रखो। ठीक है ओके। देखो हम गन फेंक रहे हैं, हमने गन फेंक दी है। अब अपने साथियों से कहो कि बच्चों को छोड़ दे, तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। नहीं, पहले मैं यहाँ से जाऊंगी और फिर ये बच्चे। अच्छा ठीक है शांत शांत शांत। कम से कम जाने से पहले इतना तो बता दो कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, चाहती क्या हो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैडम से किससे बात कर रही हैं आप? ये सन की औरत है, इनको सुधारना नहीं चाहिए, इनको परलोक सिधार देना चाहिए। ये बातों की भूत नहीं है, इस पे गोली दागी है। सन की नहीं हूं मैं, सन की नहीं हूं। इस पुष्पा सिंह ने मुझे सन की बोला था, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारी दोस्त के लायक नहीं हूँ? You bloody idiot! क्या गलत कहा उसने? हमारे लल्ला का बचपन का दोस्त है, भाई से भी बढ़कर है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे लल्ला के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और वो ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि तुम जैसी घमंडी और अहंकारी लड़की के साथ अगर हमारे भोले भाले लल्ला की शादी हुई ना तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। जीते जी बात कर रहे हैं हम। हमें हमारे मासूम लल्ला के लिए तुम्हारी जैसी अहंकारी सनकी लड़की की जरूरत नहीं है। हे, सनकी नहीं हूं मैं, इसके बेटे से प्यार करती थी, पर इसके बेटे और इसने मिलकर मुझे रिजेक्ट कर दिया। और इसकी जगह ये करिश्मा सिंह, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है मुझसे। ये कहा और मैं कहा, पर फिर भी मुझे रिजेक्शन मिला और इसे सारा प्यार मिला। ये बहू बनी, तू क्या करती? मैं बदला नहीं लेती? अरे मुझे तो बदला लेना था। मुझे पता चला कि यहाँ ये फंक्शन हो रहा है तो बस ये करिश्मा सिंह या ये पुष्पा सिंह, इन दोनों में से आज कोई तो जाएगा। नहीं नहीं रुक जाओ। तूने सन की कहा था ना, तो अब तू ही जाएगी। रुक जाओ। We'll be right back.
तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ईगो था। तुम्हारे लिए पुष्पा जी के लल्ला एक शोकेस में रखे चमकते पर्स के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और जब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जब वो चमकती हुई चीज तुम्हें नहीं मिली, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, तुमसे हैंडल नहीं हुआ और तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार बन गया जिद, एक अंधी जिद, जिसके चक्कर में आके तुम एक मासूम इंसान की जान लेने पर उतर आए। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते वक्त? अगर ये सच में प्यार होता ना रीमा, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि प्यार में हम सामने वाले के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहते। प्यार सिर्फ चाहने का मतलब है, पाने का नहीं। तुमने हमसे पूछा ना कि हमारे लल्ला ने पत्नी के रूप में तुम्हें नहीं करिश्मा सिंह को ही क्यों चुना? क्या फर्क है तुम में और उनमें? ये फर्क है जो घर की तुलसी और जंगली फूल में होता है। आंगन की तुलसी पूरे घर को महकाती है, जरूरत पड़ने पर आशीर्वाद और औषधि भी बन जाती है, मगर जंगली फूल वो किसी काम नहीं आता। ना उसकी खुशबू काम आती है और ना ही वो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। वो बस इसी अहंकार में खिलते और मुरझा जाते हैं कि वही फूलों का राजा है। चीते, ले जाओ इस सन की औरत को। चलिए 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 चलिए। नहीं ज्यादा लाड में मत आइए, ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना। सच कहे हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो फूट गए, भाग खुल गए। I am very confused. Exactly यहाँ पे हो क्या रहा है? ये लोग इमोशनल हैं तो फिर ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? खुश हैं तो आंखों में आंसू क्यों हैं? दुखी हैं तो फिर हंस क्यों रहे हैं? Humans are still complicated. मैडम, आप सबने यहाँ आकर हमारे आश्रम और हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपके लिए तो बस एक ही चीज बनती है। मेरा जी। थैंक यू सर। अरे भाई, हम सब जानते हैं पुष्पा जी के जान को खतरा है, अगर ये ना बताती तो आप लोग कैसे उस खतरे को टाल पाते? मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को मीरा जी के साथ काम करने में कोई आपत्ति होगी। इस नई तकनीक से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा और ये कार्यशैली हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब मैं चाहता हूं कि मीरा जी के लिए, इनकी प्रतिभा के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग एक बार तालियां बजा दें। और अगर ये प्रयोग कामयाब रहा, क्राइम रेट गिरा, तो हम अपनी टीम की नौकरियां कैसे बचा पाएंगे? क्राइम 50% से नीचे आ गया तो न जाने कितने पुलिस कर्मचारी बेरोजगार होने वाले हैं। कैसी कश्मकश है ये, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिल्ले इलाही, यानारकली का तोहफा आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो कबूल कीजिए जिल्ले इलाही। ए लड़की, आमा क्या 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 है ये बिल्ले, चल क्या रहा है? अरे पुष्पा जी, हमारे मोहल्ले में जो भुगले आदम का नाटक आ रहा है उसमें सलीम के रोल के लिए मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। ये अनारकली जिल्ले इलाही, ये अनारकली? हाँ, ये अनारकली है। सलीम भी तो ऐसा ही है, अब क्या बोल। वैसे बिल, हाँ बिल्ले, अगर तुम्हें अभिनय करना है तो किसी प्रशिक्षित गुरु से अभिनय क्यों नहीं सीखते तुम, जो तुम्हारे आसपास ही है, समझ रहे हो तुम? हाँ
और वो सिर्फ एक चाय और 5 समोसे के गुरु दक्षिणा में काम करने के लिए तैयार है, बताओ। हैं? हाँ है, तो ठीक है फिर हम सिखाते हैं। हम सिखाते, देखो। क्या? ए बाप रे। अनारकली। अनारकली ऐसी होती है। According to my information, अनारकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल और चार्मिंग लेडी थी, पर ये जो अनारकली है वो बहुत ही फनी है। ठीक है ठीक है। और वैसे सही में तो कह रही है वो, कैसे दिख रहे हो तुम इस जले हुए अदरक की तरह, भुने हुए लहसुन की तरह। अनारकली अनारकली सुंदर थी। हाँ, और ये भवे देखो तुम्हारी, रावण लग रहे हो तुम, रावण। चुप रहे, जाओ जाओ किसी ब्यूटी पार्लर में जाओ और अपनी भवे तो ठीक कर। अरे औरतों वाली कोई अदा भी तो होनी चाहिए कि नहीं? माई लाई, मुझे लज्जा आती है पार्लर जाने में। अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, पार्लर्स में आईब्रोज पहले धागे के थ्रू बनाई जाती थी, पर आजकल उसके लिए रेजर का भी इस्तेमाल होता है, जो कि मेरे अंदर। अरे बदनाम, कब से हम यहाँ अभिनय कर रहे हैं, चाय का इंतजाम तो करो। जाओ अब बिलाए पुष्पा जी, बदनाम स्पेशल चाय है। और जाइए ना, अभी अपना अपना काम कीजिए, जाइए जाइए। शो देखने आना, रिहर्सल बहुत देख ली, जाओ जाओ। रेजर मेरे अंदर इनबिल्ट है और अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपकी आईब्रो फिक्स कर सकती हूँ। माँ क्या क्या इनबिल्ट है, चाहता तो मैं भी हूँ, मतलब आईब्रो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चाहता हूँ माँ। कोने में कोने में। हे भगवान, चलो अच्छा हुआ सब लोग चले गए, वरना हम लोग बड़ी मुसीबत में आते। बिल्ले अगर ये नहीं हिलते तो मिशन आईब्रो फेल नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक कर देंगे। देखो हमारी ना एक दोस्त है मंजू, उसका ब्यूटी पार्लर है बंसी नगर में, तुम उसके यहाँ जाओ, वो सब ठीक करके देगी तुम्हें, जाओ। नहीं जा सकती, ड्यूटी आवर्स में पर्सनल एजेंडा पूरा करना अलाउड नहीं है, और ये इनके ड्यूटी आवर्स चल रहे हैं, तो एज पर रूल्स ये कहीं नहीं जा सकती अपने पर्सनल काम करने। हाँ, हमें मत सिखाओ रूल, पता है हमें रूल, और मैडम सर से परमिशन लेनी है ना, हम ले लेंगे। थैंक यू। अरे वाह क्या बात है, बदनाम की तो चाय भी अपग्रेड हो गई है, गुड। मैडम सर अभी कहाँ, किस जानवर से उम्मीद कर रही है, अरे वो तो अभी भी 7 दिन पुराना चाय पत्ती का बना हुआ चाय सबको पिला रहा है। अरे तो आपको चाय पीना था ना, इसीलिए बाहर जाकर बढ़िया दुकान से स्पेशल चाय लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए कितना बढ़िया पैक भी किया है। थैंक यू। मैडम सर आपको पता है सब ना एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, सब इकबल हुआ, बदनाम हुआ, बिलौट हुआ, एक काम के लिए तब से बिलौटा को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब है सब, कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, हमें प्लीज वो जोकर वाले केस की फाइल ला कर दो, हमें DSP सर को मीरा की ऑफिशियल रिपोर्ट देनी है। ठीक है मैडम सर, करिश्मा मैडम कहीं बाहर भेजी है क्या? हाँ हाँ, हमने उन्हें फील्ड पर भेजा है एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट काफी देर हो गई है, उन्हें फोन करो पूछो जरा कहाँ पहुंची है क्या हो रहा है। मैडम सर हम फोन तो कर लेते लेकिन क्या है ना कि अभी हमारा फोन स्विच ऑफ हुआ है, अभी तुरंत चार्ज में लगाए, स्विच ऑन तो हुआ नहीं होगा, और थाने का लैंडलाइन का तो काम चल रहा है आप तो जानती हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके फोन से कर ले मैडम सर। थैंक यू मैडम सर। हाँ एक तो हाँ, पॉकेट मारी से पहले अपना चरम कुंडली दिखा तो लेते किसी अच्छे पंडित को, वो तुम्हें आगाह कर देता। करिश्मा सिंह के इलाके में ये सब दुस्साहस करने का कोशिश भी किया ना तो तुम्हारा या तो आधा जिंदगी जेल में कटेगा या फिर अस्पताल में, दिखा देते तो ये दशा नहीं होती ना। मैडम रुकी रुकी का, ये देखिए मैडम, मैडम चाय पानी रखिए ना, अभी इतना ही है, मुझे जाने दीजिए, आगे से आपको 10% बड़ी चोरी पर 20% ईमानदारी से थाने पहुंच जाया करेगा। रखिए मैडम रखिए। रिश्वत दोगे हमको तुम? हाँ तुम्हारा 7.5 ही खराब चल रहा है सच में, ये तो करिश्मा सिंह को रिश्वत देने का दुस्साहस वो इंसान कर सकता है जिसकी कुंडली में प्रचंड टुकाई लिखी हो। मैडम तुम रुको, बहुत लंबा उम्र है आपका मैडम सर, बस अभी आप ही को याद कर रहे थे। जय हिंद। मैडम ही मैडम सर नहीं, हम बोल रहे हैं चीता चतुर्वेदी मैडम सर के फोन से। चीते तुम मैडम सर के फोन से काहे बोल रहे हैं? अरे हुआ कहना कि हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया था, आ भी गया। हेलो
पता नहीं किसी का फोन आ... एक सेकंड मैडम। अरे हमारा फोन तो देते जाते। हेलो हाँ बोलिए। हेलो जीते। हाँ बोलिए बोलिए। अम्मा हाँ हमको पता है तुम बोल रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि तुम मैडम से पूछो, उन्होंने जो जेब कतरों को पकड़ने भेजा था वो कुछ ज्यादा ही अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो उनका मेकअप कर सकते हैं क्या हम, ये पूछो। अरे मैडम सर से जरा पूछ के बताओ जरा, हम थोड़ी देर के लिए ब्यूटी पार्लर जाके आ सकते हैं क्या? नहीं 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 बिल्कुल भी ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, ऐसा गलती ना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जानती है ना कि मैडम सर इन सब चीजों के कितना खिलाफ है, मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं मेकअप नहीं करना है, सिर्फ आईब्रो बनवाने हैं। हाँ आईब्रो तक ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा मेकअप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आईब्रो फिक्स पके जा रहे हो कुछ भी? रुको बेटा तुम्हारा आके मेकअप करे क्या अभी जीते? हाँ नहीं नहीं हमको हमको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाना है, क्या बात कर रही हैं आप? नहीं जीते तुमको नहीं कराना है, बिल्लू के आईब्रो बनवाने हैं इसलिए उसको पार्लर लेके जा रहे हम। भाई इसका मेला चल रहा है, कहा कि उसका आईब्रो बनवा रही है, क्यों क्यों क्या कर रहे हो क्यों क्यों क्यों? हाँ ऐसी बकवास बात करोगे तो तुम्हारा वही करेंगे ना हाल, हम आके मेकअप ही करेंगे ना, पता है ना कौन है हम? अनारकली का रोल कर रहा है ना, तो पेडिक्योर मैनिक्योर करेगा तो थोड़ा तो अच्छा लगेगा, वरना हाथ पैर देखो उसके कैसे राक्षस जैसे लगते हैं। अनारकली पता है ना कौन है हम? अनारकली। भाई मैया की सासू मैया, तुम हमको अनारकली बोलोगे, हमको अनारकली बोलोगे तुम? हाँ रुको हम आते हैं वहाँ पे और तुमको बताते हैं। बेटा तुम्हारे अनार का वो कली खिलाएंगे ना हम, कि सारा बेअदबी भूल जाओगे, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? अरे आपको नहीं भाई, इनको इनको बोले हैं। किनको? करिश्मा मैडम को। जीते तुमने करिश्मा जी को अनारकली कहा, शर्म नहीं आई तुमको? हाँ अपने सीनियर को अनारकली कहते हो तुम? इधर दलीर तो देखो ऐसा मत की, मान भी रहे हैं कि हमको अनारकली बोल रहे हैं। अरे आपको नहीं, आपको नहीं, इनको बोल रहे हैं, इनको समझ रही हैं आप? पुष्पा जी को बोले अनारकली, मैडम कसम से बोल रहे हैं हम। बहुत बढ़िया बेटा, अब तो आके सीधा गोली ही दागेंगे तुम्हारे अंदर। आपको कसम खाकर बोल रहे हैं हम, आपको नहीं बोले भाई, समझ कहे नहीं रही आप, हम इनको बोले हैं। मैडम सर, मैडम सर देखिए दोनों सास बहू का झगड़ा फिर से शुरू हो गया, इन दोनों के बीच में दबकर हम मर जाएंगे, प्लीज संभालिए आप। स्पीकर पर डालो। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी दोनों अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी जी मैडम सर, सुन रहे हैं हम। चीता जो है आप दोनों से एक साथ फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। हम बोले भी, बोले भी। जितना हम आपकी बात समझ पाए हैं करिश्मा सिंह, जिस पॉकेट मार को हमने अरेस्ट करने के लिए आपको भेजा था, उसने आपको रिश्वत देने की कोशिश की, इसलिए आप उससे मारपीट करने की बात कर रही हैं, राइट? जी राइट राइट। ओके तो आप उसके साथ कोई मारपीट नहीं करेंगी, आप उसे पहले थाने लेकर आएंगी, क्लियर? लेकिन मैडम सर ये ना, क्लियर क्लियर। ओके रखो। पुष्पा जी जितना हमें आपकी बात समझ में आई है, आपको थोड़ी देर के लिए पार्लर जाना होगा, क्योंकि बिल्लू किसी नाटक में अनारकली बनने वाला है, जिसके लिए उसे अपनी आईब्रो ठीक करानी है और उसे आपकी मदद चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल सही मैडम सर, आप बिल्कुल सही समझिए। जी तो अब आप जाइए पार्लर, मीरा को साथ लेकर जाइए, क्योंकि हम उसे अकेला छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकते, एक्सपोज नहीं होना चाहिए कि वो एक मशीन है, इसलिए आप उसे साथ लेकर जाइए, आपका काम भी हो जाएगा और पेट्रोलिंग भी हो जाएगी, क्लियर? हाँ हाँ आप निश्चिंत रहिए, हम है ना हम सब संभालेंगे, ठीक है? जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। ओके जय हिंद। चल बिल्ली चलो ब्यूटी पार्लर, चलो चलो चलो, मैडम सर ने बोला तुमको भी साथ लेके चलो, चलो और दिखाएगी पता नहीं, मैं ही लाई तुम। ठीक है तो हम थोड़ी देर के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, तब तक तुम संभालोगे थाना? मैडम सर SHO बनना सच में बहुत मुश्किल का काम है। हम जानते हैं, हमारा फोन दो। सुनिए वो मंजू जी कहाँ है? जी वो वहाँ है। मंजू कि मैं किन्नड़ा से लखनऊ आ गई हूँ और अपना ब्यूटी पार्लर यहाँ खोल दिया है, और तू है कि आ जा रही मुझसे मिलने के लिए? हाँ ऐसी तेरी बचपन की दोस्ती, कैसी बेस्ट फ्रेंड है रे तू? अब तुमको पता है ना पुलिस की नौकरी कैसी होती है, हम भी तो कब से तड़प रहे थे तुमसे मिलने के लिए। सब छोड़ ना, ये बता कैसी है तू? अरे मैं तो एकदम भली चंगी हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे पहले से ज्यादा हट्टी पट्टी हो गई है।
इसे हट्टी कट्टी नहीं मोटी कहते हैं। बक कहाँ, पहले जैसे तो है हम, ऐसे एकदम स्लिम ट्रिम। बस यहाँ वहां से थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। जिम जाना शुरू करेंगे ना, दो दिन में कम करेंगे। हाँ। फिर से गलत, आपकी एज में वेट इतनी आसानी से कम नहीं होता, दो चार दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। ये ऐसे क्यों बोल रही है, मशीन की तरह? हाँ, पोकर फेस, नो एक्सप्रेशन। आई एम मीरा जी। अगर ये बात सबके सामने आ गई कि मीरा एक रिपोर्ट है, तो डीएसपी सर हम सबकी छुट्टी कर देंगे।